कुछ इसी प्रकार से इस देश में किसान बिल के विरोध में आंदोलन हो रहा है सरकार कहती है कि इस बिल के अंदर आप कोई भी खामियां बता दें कोई भी त्रुटि बता दें हम उसे सुधार लेंगे लेकिन किसान नेताओं का कहना नहीं भाई इस बिल को आप वापस लीजिए रद्द कीजिए सरकार कहती है कि आप इस पर पॉइंट वाइज चर्चा कर लीजिए अगर कोई भी क्लॉज इसके अंदर किसानों के नुकसान के लिए है तो उसे हम बदल देंगे तो किसान नेता कहते हैं नहीं भाई इस बिल को आप फौरन रद्द कीजिए सरकार कहती है कि क्या आपको किसानों को की आय जो है दुगनी करने वाली बिल चाहिए उनके हित में बिल चाहिए उनके लिए कानून चाहिए तो किसान कहते हैं हाँ तो बिल लीजिए नहीं भाई ये जो है बिल अच्छा है पर हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि हमें राजनीति करनी है इस देश में और ठीक इसी प्रकार एजेंडाधारी किसान नेता जो किसानों को बरगला कर फुसला कर बॉर्डर पर बिठवा कर आंदोलन करवा रहे हैं सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है कि इस बिल के अंदर कोई भी खामिया आप बता दीजिए उसे सुधारा जाएगा और बहुत सारी बातों पे सरकार एग्री हुई है बहुत सारी बातों पे सरकार हम भवि कि हम इसे सुधार देंगे हाँ ठीक है आपके लिए सुधार देंगे आपको अगर इससे कोई नुकसान है या आपको कोई आपत्ति है और वाकई में लग रहा है कि इससे कोई आपको नुकसान पहुंचेगा तो उसे सुधारा जाएगा उसके बाद ये लोग कहते हैं जब इस बिल में सुधारने लायक बातें हैं तो इस बिल को आगे क्यों ले जाना इस बिल को रद्द कर दीजिए ऐसा कभी होता है कोई भी बिल आता है किसी के लिए भी तो उसमें अगर कोई भी खामियां होती है समय दर समय उसे सुधारा जाता है ना कि पूरा का पूरा बिल वापस किया जाता है ऐसी बात तो नहीं होगी कि इस बिल के अंदर सारी की सारी चीजें जो है किसान विरोधी होंगी सरकार तो इतना गांजा फूंक कर ये बिल तो नहीं बनाएगी लेकिन किसान नेताओं को जो है राजनीति करनी है और अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये वामी कामी गैंग जो है इसे चलवा रहे हैं किस तरीके से इसमें खालिस्तान के पोस्टर लगाए जाते हैं और स्पष्ट रूप से दिख रहा होता है लेकिन किसान नेता कहते हैं नहीं, नहीं 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 हम तो पाक साफ है शुद्ध है जैसा सीए के प्रोटेस्ट में शाहिन बाग में कहा जाता था भारत के टुकड़े करने की बात कही जाती थी उसके बाद कहते नहीं नहीं भाई हम तो यहाँ पे सब एक हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं ठीक उसी प्रकार से उसी तर्ज पे वही मॉडल है शाहीन बाग का ही मॉडल है किसान आंदोलन के रूप में उभर के पार्ट टू आपके सामने नजर आ रहा है इस किसान आंदोलन के अंदर जितने भी नेता है किसान के सारे के सारे नेताओं के पोलिटिकल कनेक्शन है किसी का कांग्रेस पार्टी के साथ किसी का लेफ्ट के पार्टियों के साथ किसी का अकाली दल के साथ तो समझिए कि किसान आंदोलन में राजनीति कैसे नहीं होगी सरकार के विरुद्ध राजनीति कैसे नहीं होगी किसान आंदोलन है ना किसानों की बात कही जा रही है इस आंदोलन में हमें मन, हमें मंजूर है हम चाहते हैं कि किसानों का भला हो लेकिन इस किसान आंदोलन में नरेंद्र मोदी को मारने की बात को फांसी लगाने की बात इस तरह की बातें कहां से आई जिस तरीके से शाहिन बाग में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कब्र खोदने की बात कही जाती थी ठीक उसी प्रकार किसान आंदोलन में भी ये सारी चीजें हो रही है तो हम कैसे मान लें कि ये किसान आंदोलन है और किसानों के हित में है ये पूरा का पूरा शुरू से राजनीतिक आंदोलन है और किसान नेता कहते भी हैं कि जब तक हम मोदी को नहीं हटा देंगे ये आंदोलन चलता रहेगा तो भाई आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि किसानों के लिए आंदोलन है आप कहो ना कि हम मोदी को सत्ता से उतारने के लिए आंदोलन कर रहे हैं मोदी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं जब तक मोदी सत्ता से हटेगा नहीं हम ये आंदोलन छोड़ेंगे नहीं स्पष्ट रूप से कह दो लेकिन नहीं किसानों को आगे करके किसानों के नाम पे आवाजकता फैलाएंगे पूरा दिल्ली को ये चक्का जाम करवाएंगे और 26 जनवरी को ये कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे इस देश के अंदर जरा समझिए कि 26 जनवरी के दिन आ, कितना संवेदनशील होता है कि कहीं पे भी कोई आ, गलत तरीके से कोई एक्टिविटी ना हो जाए लेकिन इन लोगों को ट्रैक्टर मार्च करना है किसानों के नाम पे इस देश में राजनीति हो रही है उस राजनीति को फौरन बंद करना होगा और किसानों को पूछना चाहिए अपने किसान नेताओं से कि इतने दिनों से आप कहा थे और किसान नेताओं को पूछना चाहिए जो किसान नेता हैं, जो चाहते हैं कि किसानों का भला हो उनको पूछना चाहिए इन राजनीतिक पार्टियों से कि अब तक आप कहा थे इस देश में एक ट्रेंड चल चुका है कि जो मोदी के विरोध में खड़ा होगा उसके पक्ष में सारे लोग चले जाएंगे मतलब पूरा का पूरा जो माथा का दर्द है सर दर्द है वो मोदी है आपका किसान बिल नहीं है किसान बिल में कोई खामियां नहीं है सरकार तो को कह रही है कि आप खामियां गिनवाए हम उसे ठीक कर देंगे क्या बात है लेकिन खामियां गिनवानी नहीं है चर्चा करनी नहीं है इस बिल को रद्द करवाना और इस बिल को रद्द करवाने की आड़ में दंगे फसाद करवाना है खालिस्तान का एजेंडा बुलंद करवाना है पंजाब को इस देश से अलग थलग करने की बात करनी है वहां पे किसान आंदोलन के बीच ये सारी चीजें हो रही है जिस तरीके से शाहीन बाग में रसोई भंडारा चलता था ठीक उसी प्रकार से किसान आंदोलन के अंदर रसोईया चलता है भंडारा चलता है तो कहते हैं कि हम गरीब किसानों को लेके आए हैं तो गरीब किसान इतना बड़ा बड़ा भंडारा कहां चलवा रहे पैसा कहां से आ रहा है इस देश की जनता को सोचना चाहिए इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि ये किसान आंदोलन नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आंदोलन है अगर किसान आंदोलन होता तो किसान नेता सरकार के साथ बैठ के इसपे अब तक कोई ना कोई निष्कर्ष पे पहुंच चुके होते